खमा गणिसा कुक विथ एपीके में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ मसालेदार एकदम चटपटी खिचड़ी, जो हर घर में बनती है और सबकी फेवरेट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। खिचड़ी बनाने के लिए एक कटोरी में मैंने लिए हैं चावल और एक में ली है मूंग की दाल। दोनों को मिक्स करके साइड में रख दिया है। फिर मैंने ली एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाला है एक चम्मच तेल और एक चम्मच घी का। इनको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, लौंग काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। फिर इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। ये अच्छे से तड़का लग गया है। हम ये अच्छे से गर्म हो गए। फिर हम इसमें डालेंगे जो बड़ी बड़ी साइज में मैंने प्याज को कट किया था वो डाल देंगे। प्याज को अच्छे से नरम होने तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़े नरम नरम ना हो जाए। फिर उसमें डाल देंगे कटी हुई मिर्ची। मिर्ची भी हमारी अच्छे से पक गई है। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालेदार खिचड़ी में अदरक लहसुन का पेस्ट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक लहसुन के पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक उसमें से जो कच्ची वाली स्मेल आती है वो ख़त्म ना हो जाए। फिर उसमें डालेंगे हम 1 टमाटर, छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें काट के डालेंगे। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से हिलाएंगे। सब्जी हमारी सब पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी डाल के मिर्ची मसाले को अच्छे से पकाएंगे, तेल हमारा अलग ना दिखने लग जाए। तब तक मसाले को पकाना है। दाल और चावल को मैंने धो के रख लिया था 2-3 बार। अब इसमें दाल और चावल डाल देंगे। पहले पानी नहीं डालना है, इसको अच्छे से इसी मसाले के साथ पकाना है। इसमें घी और तेल का जो टेस्ट होता है वो चावल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छे से चलाना है, थोड़ी देर रख देना है। 2 कटोरी दाल चावल लिए थे मैंने, तो इसमें पानी भी 2 लोटे डाले हैं मैंने। सारा पानी डाल के इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। बीच बीच में 1-2 बार हटा के देखते रहिए कहीं नीचे जल ना जाए। और फिर 15 मिनट बाद अपन देखेंगे कि चावल पूरे पक गए हैं। और एक और तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार खिचड़ी। सबको खिलाई है और रेसिपी कैसी लगी हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।